हेलो एवरीवन आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो एक्चुअली इनिशियल स्टेप है माइक्रो uh, ऑर्गेनिजम या बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन में वो है ग्राम स्टेनिंग ग्राम स्टेनिंग के बेस पे ही हम डिफरेंश डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से हैं और कुछ बैक्टीरिया जो है ग्राम नेगेटिव हैं और बाकी जो है इसके जो है जो स्ट्रक्चर है इसके सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का तो इनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर में ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है जैसे कि अगर हम यहाँ पे देख लें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये मैंने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर बनाया बैक्टीरिया का ठीक है ये जेनेटिक मटीरियल है ये मैंने कुछ एक पार्ट ही इसका जो है आ, आ, मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा पूरा पार्ट नहीं किया है कुछ एक पार्ट मैंने लेके इसको एक्सप्लेन किया है वैसे ही ग्राम नेगेटिव में भी तो अगर हम इसकी बात करें तो ये पॉजिटिव की बात करें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तो ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है ठीक है इसके जस्ट ही ऊपर आप ये देख रहे हैं ये है लेयर तो ये है सेल वॉल इसकी जो कि बनी होती है लेयर से और ये लेयर जो है काफी थिक होती है तो ये थी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो ये है सेल मेम्ब्रेन जो सबसे अंदर की मेम्ब्रेन है ठीक है इसके जस्ट ऊपर ये है पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर तो यही लेयर ग्राम पॉजिटिव में काफी थिक थी जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये लेयर काफी थिन होती है ठीक है और इस लेयर के जस्ट ऊपर होती है आउटर मेम्ब्रेन ठीक है आउटर मेम्ब्रेन बनी होती है लाइपोप्रोटीन से और लाइपो पोलेसेकेराइड से ठीक है और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसे कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस ठीक है और जो ये आउटर मेम्ब्रेन है प्लस ये पेपडोग्लाइकेन है ये दोनों मिलके इनको कहते हैं इसे बनाते हैं सेल वॉल ठीक है तो सेल वॉल यहाँ पे ओनली पेप्टोडोग्लाइकेन लेयर थी बट यहाँ जो सेल वॉल है ये दो तरह की लेयर से बना है एक तो आउटर मेम्ब्रेन प्लस पेपडोग्लाइकेन लेयर और इन लेयर के बीच में जो ये स्पेस है इसे कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस ठीक है और जो आउटर मेम्ब्रेन है ये बना होता है लाइपोप्रोटीन से और लाइपो पोलिसकेराइड से तो अब अगर हम इनकी डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले स्टेनिंग के बेस पे तो स्टेनिंग के बेस पे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो रिटेन करते हैं प्राइमरी स्टेन को जो कि है क्रिस्टल इसलिए वो कैसे दिखते हैं पर्पल इन कलर जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं ये रिटेन करते हैं काउंटर स्टेन को इसलिए ये कैसे दिखते हैं पिंक इन कलर या फिर रेडिशन कलर फिर दूसरा है कि जो सेल वॉल है दैट इज कंसिस्ट ऑफ लेयर अब जो ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है ये मेनली बनी होती है किससे पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन प्लस आउटर मेम्ब्रेन ठीक है इसकी जो सेल वॉल है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ये दो तरह की लेयर से बना होता है आउटर मेम्ब्रेन प्लस पेप्टिडोग्लाइकन लेयर फिर तीसरा है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थिक होती है इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जबकि इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो जो लेयर है उसमें जो है उसकी सेल वॉल में दे डू नॉट है स्पेस ठीक है इसमें जो है पेरिप्लाज्मिक स्पेस नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं है बट केस ऑफ नेगेटिव बैक्टीरिया ये जो बाहर की जो दोनों लेयर्स हैं पेप्टोडोग्लाइकेन और ये आउटर मेम्ब्रेन इनके बीच में जो स्पेस है तो इसे कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इट कंसिस्ट ऑफ पेरिप्लाज्मिक स्पेस एंड सेल वॉल डज नॉट कंटेन लाइपोपोलेक्केराइड इसकी जो सेल वॉल है वो मेनली बनी होती है लेयर मेनली होती है इसमें कोई भी लाइपोपोलेसराइड नहीं होता है बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसकी सेल वॉल जो बनी होती है किससे लाइपोपोलेक्केराइड से इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है मेनली लाइपोपोलेक्केराइड लिपिड एंड लाइपोप्रोटीन कंटेंट इज लो इसकी जो सेल वॉल होती है उसमें जो है लिपिड कंटेंट और लाइपोप्रोटीन कंटेंट जो है काफी कम होता है जबकि इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लिपिड एंड लाइपोप्रोटीन कंटेंट इज हाई ठीक है एंड इसमें जो फ्लैजिला रहते हैं ग्राम पॉजिटिव में जो फ्लैजिला रहते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं उसमें जो है दे कंटेन टू रिंग्स इन द बेसल बॉडी एक्चुअली जो बेसल बॉडी से जो फ्लैजिला अटैच होते हैं उसमें क्या होती है उसमें दो रिंग्स होती हैं सपोज ये फ्लैजिला है ठीक है ये अटैच हो रहा है तो इसमें इस तरह से जो है टू रिंग्स होंगी ठीक है जबकि इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसमें जो है दे कंटेन्स फोर रिंग्स इन द बेसल बॉडी तो ग्राम नेगेटिव में क्या है चार तरह की रिंग्स होंगे ठीक है ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं दे प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन्स मींस ये जो है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ये जो सेल के बाहर जो है क्या करते हैं टॉक्सिन को अपनी सेल के बाहर रिलीज करते हैं ठीक है जिसे कहते हैं एक्सोटॉक्सिन बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये कोई टॉक्सिन रिलीज नहीं करते हैं बट उनकी जो सेल वॉल होती है जो आउटर मेम्ब्रेन होती है दे कंटेन एंडोटॉक्सिन या जिसे कहते हैं ये जो है सेल से रिलीज नहीं होता है ये सेल वॉल का एक पार्ट है जिसे कहते हैं एनोटॉक्सिन ठीक है हाँ अगर इस सेल को तोड़ दिया जाए तो ये जो एनोटॉक्सिन है ये क्या है एक्सपोज हो जाता है बट ये जो है सेल से रिलीज नहीं होता है ठीक है फिर एग्जोटॉक्सिन आर लिथल इन नेचर एग्जोटॉक्सिन जो है काफ़ी घातक होते हैं लिथल होते हैं इन नेचर में इसका थोड़ा सा भी डोज जो है काफ़ी घातक होता है आ, इन केस ऑफ एंड्रोटॉक्सिन, दे आर जनरली पायरोजेनिक पायरोजेनिक मीन्स जो क्या है बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं अगर वो बॉडी में चले जाएँ ठीक है और वो क्या करते हैं दे कॉज ब्लड चेंजेस अगर वो ब्लड में चले जाएँ तो जा वो कैपिलरी जो होती है ब्लड वैसल जो होती है उनकी परमेबिलिटी को चेंज कर देते हैं या जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं उनको अफेक्ट करते हैं और अगर काफ़ी डोज ब्लड में चला जा जाए तो वो क्या है शॉक शॉक भी एक बॉडी को क्रिएट कर देते हैं या उनका बीपी डाउन हो जाएगा या सिस्टम जो सर्कुलेटरी सिस्टम को हो सकता है और डेथ भी हो सकती है एंड जनरली जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो जो है दे आर हाईली ससेप्टिबल टू पेनिसिलिन पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक है तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ये जो है काफ़ी सेंसिटिव होते हैं पेनिसिलिन पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए मतलब पेनिसिलिन इनको जनरली किल कर देती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये जनरली रेजिस्टेंट होते हैं पेनिसिलिन के लिए या फिर कहें कि दे आर लेस ससेप्टिबल टू पेनिसिलिन और uh, अगला है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो जनरली रेजिस्टेंट होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए या कहें कि लेस सबल टू स्टेप्टोमाइसिन बट जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो क्या होते हैं सेंसिटिव होते हैं स्टेप्टोमाइसिन के लिए दे आर हाईली ससेप्टिबल टू स्टेप्टोमसिन अब अगला ये है कि जो एजोटॉक्सिन जो प्रोड्यूस होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से इसे जो है कन्वर्ट किया जा सकता है टॉक्सॉइड में मतलब टॉक्सिन जो है जनरली हार्मफुल रहता है तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं केमिकल की केमिकल की एडिशन से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं टॉक्सॉइड में जो कि हार्मलेस रहता है या फिर ये टॉक्सॉइड जनरली क्या है ये एक वैक्सीन ये बन जाता है ठीक है बट केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो एंडोटॉक्सिन है उसको जो है टॉक्सॉइड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है ठीक है तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लाइक कुरानी बैक्टीरियम डिपथीरिया ठीक है क्लास्टिडियम टेटेनाई स्ट्रेप्टोकोकस क्लास्टिडियम बॉटोलिनम माइकोबैक्टीरियम स्टेफाइलोकोकस बेसिलस एटसेट्रा ठीक है उस तरह से ग्राम नेगेटिव के कुछ एग्जाम्पल हैं सालमोनी स्पीशीज विब्रियो बॉर्टेला पर्टोसिस शिगेला सुडोमोनास यर्सिनिया ब्रुसेला एटसेट्रा ठीक है तो इनके कुछ एग्जाम्पल थे ग्राम पॉजिटिव के और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के तो ये मेनली जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है मेनली तो इनका डिफरेंस जो हम स्टेनिंग के बेस पे कर देते हैं बाकी जो डिफरेंस है इनके जो स्ट्रक्चरल जो आ, आ, इनके जो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है इसके बेस पे भी इन दोनों बैक्टीरिया में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है तो आज की वीडियो में इतना ही आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग